सारे जहां से अच्छा ये गुलस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये हिंदुस्तान हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। लगातार गणतंत्र दिवस के मौके पर हम तमाम जानकारी तमाम बारीकियां समझ रहे हैं कि आखिरकार कैसे हमारे देश की क्षमता और संस्कृति एक साथ जुड़ी हुई है, कैसे विविधता में एकता का जो संदेश है हमारे देश में हमेशा देखने को मिलता है। और ये संदेश जब राजपथ पर होता है तो हमारे देश का गौरव, हमारे देश की शान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। AK मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम तमाम जानकारी उनसे ले रहे हैं कि आखिरकार कैसे हम देश की इस ताकत को और समझें। सर, बहुत तमाम जानकारी आप हमें दे रहे हैं, मिसाइल्स के बारे में बता रहे हैं, ऐसे में अगर हम ये समझें कि इसरो की जो इम्पोर्टेंस है हमारे देश में, कई ऐसे जो ऐसे आविष्कार हैं जो हमारे सामने आए हैं, कितनी इम्पोर्टेंस हम समझें या हमारे देश की जनता को कैसे समझना चाहिए उसको? नैन्सी, देखिए, अंतरिक्ष के ऊपर अगर बात किया जाए तो शायद हमारे देश का पेटेंट होना चाहिए। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों का जो कमांड था अंतरिक्ष में, जो नॉलेज होता है, आप ये देखिए, चंद्रमा, सूर्य, इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन मिलता है पंचांग में, एस्ट्रोलॉजी में। तो ये सब चीजें बताती हैं कि अंतरिक्ष में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ऋषि मुनि थे, उनका गहरा जो है उन्होंने अध्ययन किया, गहरी रुचि थी और कमांड था। और उस सपने को अगर कोई फिर से प्रतिष्ठापित कर रहा है देश को, देश में, तो वो है इसरो। जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसरो ने इतनी उपलब्धियां हासिल की है कि देश को, अपने देश को अंतरिक्ष के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में विश्व का एक अग्रणी देश बना दिया गया है। यह इसलिए भी जरूरी है कि जब पहला सैटेलाइट जो है लॉन्च हुआ था, तो आप अगर अभी सर्च करिए तो आपको मिलेगा कि साइकिल पे लाद करके उसको लेके गया था। मतलब रिसोर्सेज हमारे पास नहीं थे, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों का आप टैलेंट देखिए और जज्बा देखिए। आज सबसे एक बार में सफलतम प्रक्षेपण करने वाला, सबसे ज्यादा उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला, एक्यूरेसी और कॉस्ट इफेक्टिव, ये दोनों चीजें देखिए, वो इसरो है। इन सब चीजों के कारण, इसरो ने जो छलांग लगाई है, इसके कारण बड़े बड़े विकसित देश भी आज अपने जो है सारे उपग्रह जो है प्रक्षेपित करवाने के लिए भारत के पास आते हैं। मैं फिर बोलूंगा कि अपने आप में ये एक ग्लोबल बहुत बड़ा जो है रेवेन्यू जनरेशन का भी सोर्स है। इसरो अगर प्रक्षेपित करती है तो उससे रेवेन्यू, इंटरनेशनल जो है दूसरे देशों से रेवेन्यू भी जनरेट होता है जी। दूसरी चीज, इसरो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद करती है। देखिए, जैसे अभी आपने देखा होगा कि इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किए थे नेविगेशन के लिए, मैपिंग वगैरह, जैसे हम लोग गूगल मैप वगैरह करते हैं ना, नाविक उसका नाम था। हालांकि 2018 या 2019 के शुरू में वो टोटल कंप्लीट हो जाएगा, एक या दो सैटेलाइट उसमें बाकी बचे हुए थे। ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका के पास, कुछ और देशों के पास थी। इसरो ने इसको इंडिजीनस बना करके इस तरीके से लॉन्च किया। उस वक्त देखिए बड़ी चर्चा हुई थी कि कहीं पे भी आप देखिए तो सड़क पे अगर एक कार है तो कितनी कार है, उसका नंबर क्या है, ये चीज भी आज जो है भारत के वैज्ञानिक अगर चाहेंगे तो इस चीज को देख सकते हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने बड़े सक्सेसफुल तरीके से की थी, उसमें भी इसरो का बड़ा योगदान था। पूरी मैपिंग करना, लोकेशन, ये सारी चीजें जो होती है वो अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी से ही होती है। तो बहुत महान काम, बहुत मतलब जबरदस्त काम इसरो ने किया है। और एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो लाखों साल की, जो हजारों साल पहले की जो हमारी विरासत थी, यानी अंतरिक्ष के ज्ञान और विज्ञान के मामले में हम हजारों साल पहले जो है अग्रणी हुआ करते थे, हमारे ऋषि और मुनि, आज फिर से जो ये बीच में गुलामी के दौर में हम लोग एकदम खो गए थे और अंतरिक्ष पे एकाधिकार जो हमारा था वो खत्म हो गया था, आज इसरो के वैज्ञानिकों ने उस चीज को पुनर्प्रतिष्ठापित कर दिया है। अंतरिक्ष के मामले में भारत का दबदबा पूरा एकदम कायम कर दिया है जी। चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, तो अब आप ये बोल सकते हो, जल हो, थल हो या नभ हो, कहीं पे भी हो, हमारी उपस्थिति दर्ज है। हम ये इस चीज का हमें गर्व करना चाहिए, कम नहीं है, हम भारतीय हर जगह है। आप अंतरिक्ष ले लीजिए, जल, थल, नभ, हर जगह भारतीय वहां पे उपस्थित है, भारत वहां पर उपस्थित है, उसकी उपस्थिति दर्ज है। लेकिन हम इसको नासा से कंपैरिजन करें, क्या उचित होगा कि अभी इसरो को और नासा से कंपैरिजन उचित होगा, या समझें अभी थोड़ा और समय की जरूरत है? नहीं नहीं बिल्कुल उचित ही नहीं, ये कंपैरिजन तो बहुत पहले से होना चाहिए। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। रीजन ये है, आप ये देखिए, जैसे जो लोग, आप हजारों साल पहले जाइए और अंतरिक्ष के बारे में आप हमारा ज्ञान देखिए, हमारा विज्ञान देखिए, आज जो ये सारी चीजें कर रहे, टाइम, अगर आप टाइम की बात करें तो टाइम की जितनी सटीक कैलकुलेशन हम लोगों के यहाँ, हमारे जो है कल्चर में थी, हमारे ऋषि मुनियों ने की थी, जो चीजें हमारे पंचांग, मतलब हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिस्टम किया था उसमें लिखा रहता है कि आज सूर्योदय इतने बजे होगा, सूर्यास्त इतने बजे होगा। आज भी हम उसी के हिसाब से, नासा का सेटेलाइट भी तो वही बताता है,
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता है, तो हम अग्रणी थे और इस चीज को मानते हैं, तो इसमें ऐसा कोई हम क्यों ना कंपैरिजन करें, हम उनसे भी बेटर थे, बेटर हैं। मैं आपको बोलूं, कई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नासा भी नहीं कर पाई, उसको इसरो ने कर दिया उनसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव में। चलिए रुकना चाहूंगा, कुछ तस्वीरें जो है उस पर भी अब हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। अब इस वक्त हम तस्वीरें दिखाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ की तस्वीरें, जहां पर ये देखिए इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब शुरू हो गया, वो सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि राज्यभर जो है अब सेलिब्रेशन शुरू होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं और अब राष्ट्रीय गान के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पूर्ण होने के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज पूरा देश अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अगस्त 15, 1947 को सैकड़ों वर्षों की आजादी के बाद, गुलामी के बाद, यह देश आजादी की उन्मुक्त वातावरण में एक नई दिशा की ओर अग्रसर हुआ था। लेकिन आजादी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए शासन और आम जन के बीच में एक बेहतर संवाद के लिए और शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए एक संहिता आवश्यक होती है, जिससे शासन बिना भेदभाव के अपनी योजनाओं को देश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा सके और व्यवस्था का सुचारू संचालन भी कर सके। इसके लिए एक संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। हमारे देश ने आज ही के दिन 1950 में अपना संविधान अंगीकार किया। भारत का संविधान विगत 69 वर्षों के दौरान भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का गौरव तो दिलाया ही, साथ ही साथ एक सर्वसमावेशी लोकतंत्र के रूप में दुनिया के लिए मानक भी बना है। एक ऐसा संविधान जहां पर जाति, मत, मजहब, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न होता हो, जिसने सम और विषम परिस्थितियों में पूरे देश को एक संबल दिया। और आज यही कारण है दुनिया में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की चर्चा होती है, तो भारत के संविधान को, भारत की व्यवस्था को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में मान्यता मिलती है। हम सबको अपने गौरवशाली परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। भारत का संविधान अपनी स्थापना काल से ही
हम सबको इस भाव के साथ जोड़ता है। जहां पर हम बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं समाज के प्रत्येक तबके तक और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक भी पहुंचा सके, ये गौरव भारत गणराज्य को हजारों वर्षों के बाद प्राप्त हो पाया। ऐसा नहीं कि देश के अंदर संविधान न रहे हों, इस देश ने अलग अलग कालखंड में अत्यंत प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होने के बावजूद हमारी ऋषि परंपरा ने व्यवस्था को संचालित करने के लिए भले ही राजनीतिक इकाइयां अलग अलग क्यों न रही हों संगीताएं दी थी, स्मृतियां दी थी, वे स्मृतियां तात्कालिक समाज की मार्गदर्शक थी, उनका एक संविधान था, लेकिन राजनीतिक इकाई के रूप में इतने विशाल देश को एक संविधान संचालित करें, हजारों वर्षों के बाद एक गौरव हम सब के सामने आया जब इस देश ने आजाद होने के साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता में संविधान समिति का निर्माण करके इस संविधान को कैसे हम लिख करके दुनिया के एक आदर्श संविधान के रूप में स्थापित कर सकें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में मसौदा कमेटी ने लगातार इसके लिए जो परिश्रम किया उसका परिणाम था कि 26 जनवरी 1950 को भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ ही जिस संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली को अपने यहां स्वीकार किया वह भारत के संविधान की देन है। आज हम सब भारत के संविधान के कारण ही एक समान मताधिकार के साथ जिसमें न जाति का है, न मत का है, न मजहब का है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, न लिंग का है, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ इस देश के अंदर हर नागरिक ले रहा है। हम सबका दायित्व बनता है कि अपने इस संप्रभु संपन्न राष्ट्र के इन प्रतीकों का सम्मान करते हुए, चाहे वह भारत का संविधान हो, भारत की आन मान शान का प्रतीक भारत का राष्ट्रध्वज हो, भारत के स्वाभिमान का प्रतीक भारत का राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, इन सब को भरपूर सम्मान दें और उनके द्वारा दिखाए गए उन मार्गों का अनुसरण करें जो भारत की एकता और अखंडता को सम और विषम परिस्थितियों में अक्षुण्य बनाए रखने में अपना योगदान दे सकें। या न केवल हम सब के लिए अपितु आने वाली पीढ़ी के लिए भी, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी यह आवश्यक है। एक बार पुनः 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश भारत के गणतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रदेश ने विगत 2 वर्ष के दौरान लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी जिन योजनाओं को
आम जन तक पहुंचाया है, चाहे वह 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का हो, 2 करोड़ 60 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय उपलब्ध कराने का हो, 3 करोड़ 55 लाख से अधिक परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न के लिए राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने का हो, या फिर आजादी के बाद भी जिन परिवारों में रोशनी नहीं जा पाई थी, ऐसे 94 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का हो, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का हो, या फिर महिलाओं के लिए चल रही अनेक उन योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द का माहौल बनाने का हो, पूरी प्रतिबद्धता के साथ भारत के गणतंत्रात्मक मूल्यों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। हम सबका यह प्रयास भी भारत के संविधान के प्रति एक सम्मान का भाव प्रदर्शित करता है। सम्मान का मतलब केवल भाषा से नहीं, केवल भाषण से नहीं, सम्मान का मतलब उन मूल्यों, उन आदर्शों को सही मायने में व्यवहारिक रूप से अपने आचार से भी और अपने व्यवहार से भी लागू करना है, और इस कार्य को हम लोगों ने भारत सरकार के साथ मिलकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी हुतात्माओं को, अपने उन बहादुर जवानों को जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत की इन मूल्यों की रक्षा करने में, भारत की एकता अखंडता की रक्षा करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अपने उन बहादुर पुलिस के जवानों को भी जिन्होंने प्रदेश के अंदर शांति की व्यवस्था बनाए रखने, कानून का राज स्थापित करने के लिए अपना योगदान किया है, जो शहीद हुए हैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जिन्होंने अपने शौर्य पराक्रम से अपनी सेवाएं प्रदेश की जनता को समर्पित की हैं, उन सब का अभिनंदन करते हुए आप सभी को देश के 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वही आके काम लेडीज़। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं इस वक्त किस तरह से देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए गणतंत्र दिवस की, इतने विशाल देश का एक संविधान गौरव की बात है, इसका जिक्र किया है सीएम ने, और पूरे सम्मान के साथ शुरुआत हो चुकी है। अभी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लखनऊ में ये दृश्य आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण और साथ साथ प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तमाम तैयारियां हैं, और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। देश विकास की राह पर है, हमारा उद्देश्य है कि हमेशा देश जो है आगे बढ़े, इतने विशाल देश को कैसे
आज हमारे देश को गणतंत्र दिवस के रूप में जो मनाते हैं, संविधान की जो महत्ता है इस पर भी बात करते हुए दिखाई दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि आज देश जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है। तमाम राज्यों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पहली तस्वीर सामने है लखनऊ में, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर रहे। एके मिश्रा जी, किस तरह से देखें, क्योंकि अब सिलसिला शुरू हो चुका है, एक एक करके तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त जो जोर दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देश के संविधान को लेकर जिक्र किया, शुभकामना तो दी है, लेकिन जो संविधान की बात हम लगातार करते आ रहे हैं, बहुत देर से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, इस संविधान पे जोर देना जरूरी है, क्योंकि यही एक साक्षी है ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़ी ताकत हैं और विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा ही है। नैंसी, देखिए मैं आपको बताऊं, विश्व भर में दूसरा नहीं बल्कि आप एक चीज और जोड़िए, सबसे पुराना भी अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से पहला हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो है जड़ें अगर देखेंगे तो आप हमारे देश में बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत पुराने टाइम से है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, कर्नाटक में जो है वहां पे एक राजा हुआ करते थे, वो इसी तरीके से अनुभव मंडपम करके उन्होंने कॉन्सेप्ट ये किया था। कॉन्सेप्ट ये था कि किसी भी टॉपिक पे अगर कुछ डिसीजन लेना होता था तो गांव से हर जगह से लोगों को बुलाया जाता था, जैसे आज संसद में बहस होती है, फिर एक कॉमन बिल पास होता है और डिसीजन लिया जाता है। ये बातें हजारों साल पहले की है और देश के हर राज्य में, हर क्षेत्र में इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पुराने, मैं तो ये बोलता हूँ कि किन्हीं न किन्हीं कारणों से देखा जाए तो सबसे पुराने और सबसे विशाल लोकतंत्र हम हैं। संविधान के ऊपर जोर देना और अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करना, किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पे हो, हमारा पहला दायित्व तो ये होता है कि हम माने और हम अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करें कि संविधान के अनुसार हम आचरण करेंगे, हम व्यवहार करेंगे, क्योंकि संविधान ही वो चीज है जो कि 120 करोड़ लोगों को आपस में जोड़ती है। दूसरे देशों के साथ हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यह चीज भी हमारा संविधान हमें बताता है कि भारत की जो पूरी पुनर्स्थापना हुई है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। दुनिया के पटल पे अगर रखने का कोई काम करता है, भाई भारत एक स्वतंत्र देश है, एक गणतंत्र देश है, एक लोकतंत्र है, दूसरे देश कैसे जानते हैं, क्योंकि ये डिफाइन किया गया है हमारे संविधान में कि हमारा नेचर क्या है, हमारी शासन प्रणाली क्या है, लोगों के अधिकार क्या है, जितने भी संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग हैं उनके दायित्व क्या है। और सबसे मूलभूत बात यह है कि इस गणतंत्र को सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर रखा गया है संविधान में। यहाँ के जो नागरिक हैं उनके अधिकारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। शासन किसी का भी हो, मैं बोलता हूँ सरकार किसी का भी हो, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सारे सरकारों की एक प्रतिबद्धता होती है कि वो काम करेंगी तो संविधान के मूल्यों के ऊपर काम करेंगी, उनके संविधान के ऊपर, संविधान के जो शर्तें हैं उनके अनुसार काम करेंगी, उनके सिद्धांतों पे काम करेंगी। तो संविधान यथास्थिति रहता है, वैसे ही बना रहता है, सरकारें आती जाती रहेंगी और हमें अपनी प्रतिबद्धता जो है जाहिर करते हुए बड़ी खुशी हो रही है, हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा संविधान है जहाँ पे कि सब लोगों को बराबर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और यही तो हमारी खूबसूरती है देश की, कि हर किसी को यहाँ पर बराबर जो है अधिकार है, और यही अधिकार बताता है कि हम देश में आजाद हैं।